हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। मैं अथर्व, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दी ऑल न्यू टाटा पंच की कैमो एडिशन के बारे में। और एक खास बात कैमो एडिशन की, ये एक टॉप वेरिएंट में आपको इसका ऑप्शन नहीं आता, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कैमो एडिशन ही है। और इसका जो ऑप्शन आपको मिलता है ये इसकी मिड वेरिएंट्स में मिलता है, जैसे कि एडवेंचर, एडवेंचर रिदम, अकम्प्लिश्ड एंड अकम्प्लिश्ड विद डैजल बैक, चार वेरिएंट्स में आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको टॉप एंड में लेना है तो आप यहाँ पे काजीरंगा एडिशन ज़रूर देख सकते हैं। तो इसमें चेंजेस क्या है कि उतने ज़्यादा चेंजेस हैं नहीं, मैकेनिकली सेम 1.2 लीटर का इंजन है। और इसकी जो प्राइस है स्पेसिफिक वेरिएंट की, जो है अकम्प्लिश्ड AMT, तो इसकी आपको प्राइस पड़ती है 8.25 लाख एक्स शोरूम। ये कलर नया है जो हैरियर की कैमो एडिशन में आया था, फॉलिएज ग्रीन कलर, मतलब वो जैसे कि सेम हैरियर में था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लगता है कलर, मतलब काफ़ी डार्क सा कलर है और काफ़ी मतलब एक बुच लुक निकल के देता है। तो ये अकम्प्लिश्ड वेरिएंट है, तो इसमें कोई DRLs आपको यहाँ पे नहीं आती। सेम हेडलैम्प्स है हैलोजन बेस्ड के, और नीचे आपको फॉग लैम्प्स भी ज़रूर प्रोवाइड करे हैं कंपनी ने। तो यहाँ पे देख रहे हैं पूरा का पूरा लुक आप देख सकते हैं। और राइट और लेफ्ट दोनों साइड में आपको यहाँ पे कैमो एडिशन की बैजिंग भी दी गई है। और ऊपर आप अगर देखते हैं तो जो ORVMs है वो भी पियानो ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। ए पिलर आप देख रहे हैं, और यहाँ पे देख रही है इसका जो बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स है, ए पिलर और जो ऊपर की रूफ़ है वो आपको पूरी ब्लैक फिनिश में दी गई है। टायर्स की साइज़ अराउंड 15 इंचेस के है, पर आपको यहाँ पे एलॉय व्हील्स नहीं मिलते। अगर आप अकम्प्लिश्ड में डैजल पैक लेते हैं तो वहाँ पे आपको डायमंड कट के एलॉय व्हील्स ज़रूर मिलते हैं। आगे आपको डिस्क और पीछे आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स प्रोवाइड करी गई है। तो यहाँ पे देखिए ए पिलर फुल पियानो ब्लैक फिनिश में है, और जो ऊपर की रूफ़ है वो भी पूरी की पूरी पियानो ब्लैक फिनिश में दी गई है। ऊपर आपको एंटीना भी मिलता है, शार्क फिन का एंटीना आपको ऑप्शन नहीं देती कंपनी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा का पूरा दशहरा का पूरा डिलीवरी चल रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका रिक्वेस्ट सेंसर आप देख सकते हैं, कोई क्रोम डोर हैंडल्स आपको इसमें नहीं दिए जाते। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसके ORV में सब फोल्ड और एडजस्ट दोनों कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। और ये इसका एंटीना जो शार्क फिन आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। पीछे अगर बात करें तो यहाँ पर इसका जो यूनिक सा डोर ओपनिंग आप देख सकते हैं, और ये पूरे 90 डिग्रीज भी ओपन होते हैं। और इस सीट पे अलग क्या है कि आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो नहीं है, पर यहाँ पे आपको कैमो एडिशन के स्पेशल सीट्स मिलते हैं, फैब्रिक की है पर थोड़े मिलिट्री लुक देने का कोशिश ज़रूर किया है। और ये काफ़ी खूबसूरत भी दिखते हैं, काफ़ी मिलिट्री ग्रेड गाड़ी दिखती है। रूफ़ नॉर्मल कलर की है, उसमें कैमो एडिशन का कोई भी पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे इसका रियर मतलब ये अकम्प्लिश्ड है, तो यहाँ पे आपको LED के टेल लैम्प्स ज़रूर दिए गए हैं, और यहाँ पे राइनो की ड्राइंग, और पीछे कोई आपको यहाँ पे डिफॉगर्स या वाइपर्स भी नहीं मिलते। लाइट्स आप देख रहे हैं प्रॉपर LED आपको यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे आपको पंच की बैजिंग जो पूरी ब्लैक फिनिश में दी गई है, और आपको यहाँ पे रियर कैमरा भी दिया जाता है। रियर पार्किंग सेंसर्स की अगर बात करें तो दो रियर पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, और यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी लुक। अंदर की फ़ीचर्स की अगर बात करें तो वहाँ पे भी कोई कॉस्मेटिक चेंज ही आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बाकी इक्विपमेंट लिस्ट सेम है। आप देख सकते हैं डोर पैड पे ऑल 4 पावर विंडोज, आप मिरर एडजस्ट कर सकते हैं बोथ वेज, और ये डोर पैड पे थोड़ा अलग कलर आपको यहाँ पे मिल जाता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और सेम जो पीछे की सीट्स थी वैसे ही आपको यहाँ पे कैमो एडिशन की स्पेशल सीट्स दी जाती है। और ये हम AMT वेरिएंट देख रहे हैं, तो यहाँ पे दो पेडल्स, ब्रेक और एक्सेलेरेटर, और यहाँ पे देख सकते हैं कैसी सीट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी सेम है, मतलब कोई कैमो एडिशन स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं है, सिर्फ सीट का कलर चेंज किया है और इंटीरियर का कलर चेंज हुआ है। सेम 7 इंच की टच स्क्रीन विथ वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। और यहाँ पे देख रहे हैं पूरे का पूरा लुक सेम है, वैसे उतना चेंजेस नहीं है, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस ही टाटा ने किए हैं। और ये इसका 5-स्पीड का AMD ट्रांसमिशन, तो यहाँ पर देख सकते हैं उतने ज़्यादा चेंजेस है नहीं, सिर्फ थोड़ा कलर का चेंजेस किया है, और जो सीट्स है वो थोड़ी कैमो एडिशन के लुक अलाइक की है। मैकेनिकली भी इंजन सेम है, अराउंड 10.5 लाख की आपको ये ऑन द रोड मुंबई में पड़ती है। तो यही थी इसकी वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी LED टेल लैम्प्स, तो ये प्रॉपर एक पीछे का लुक जो पहले की वीडियो में थोड़ा सा कंजेस्टेड लगा होगा। और पीछे आप देख सकते हैं इसकी पंच की बैजिंग भी काफ़ी खूबसूरत सी करके दी है। सो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।